उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन की पूरी डिटेल में आपने रिपोर्ट देखी, और अब हम बात बिहार के आईजी विकास वैभव की करेंगे, जिनके बारे में हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी। उन्हें शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, 24 घंटे के अंदर उन्हें जवाब देना है। बिहार के एक बड़े वर्ग में विकास वैभव को लेकर इमोशनल मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। जैसे बिहार की राजनीति में कई गुट हैं, ठीक उसी तरह अब आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के भी कई गुट बन चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार पर आईएएस आईपीएस और बीएएस बीपीएस के अधिकारियों के राजनीतिकरण का आरोप लग रहा है। विकास वैभव की वर्दी अभी तक दाग से बची थी, लेकिन आगे भी बची रहेगी ऐसा लगता नहीं। बिहार में कोई पुलिस अधिकारी जितनी तेजी से ऊपर उठता है उतनी ही तेजी से गिरा दिया जाता है, ऐसे मामले हमने देखे। इसके पीछे क्या खेल चलता है, क्या ये माजरा है, समझिए इस रिपोर्ट में। उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। तो साहब किसके साथ हैं? साहब का संदेश किसके लिए है, ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस को समझना जरूरी नहीं है। और विकास वैभव अच्छे से समझ गए होंगे कि अब आगे क्या होगा। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, 2 महीने की छुट्टी मांगी थी आईजी विकास वैभव ने, छुट्टी तो मिली नहीं, शोकॉज मिल गया। शोकॉज में लिखी बात और सीएम साहब की बात के बस शब्द बदल दिए गए थे, वरना मजमून सबका एक ही जैसा था। एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है, ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए, यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए, ये है कानून। खबर तो ये भी है कि न सिर्फ विकास वैभव बल्कि होमगार्ड और फायर सर्विस में तैनात कई अधिकारियों ने अपनी शिकायत को चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और अन्य अधिकारियों तक भी बताई थी, लेकिन इस पर सुबह पर पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई और ना ही यह खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाई गई। तो क्या ऐसा सब कुछ जानबूझकर किया गया? मंत्री जी कोई फाइल भेज रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स कहीं ना कहीं से, उस पर एक ऑब्जेक्शन लगा करके उस फाइल को लौटा दे रहे हैं या रोक दे रहे हैं, या उस फाइल की संचिका को आगे बढ़ा ही नहीं रहे हैं। तो जब ये आदत में शुमार हो गई है तो वो तो अपना उस तरह का व्यवहार करेंगे, या मुख्यमंत्री से उनको इस तरह का पीठ ठोक दिया जाता है कि नहीं नहीं बस विभाग तो आप ही को चलाना है। तो विभाग जब उनको चलाने का एक दिमाग में ये बात बैठ जाती है तो अपने जो नीचे के अधिकारी हैं उनके साथ वो इस तरह के व्यवहार करेंगे और उसका दृश्य सामने आ रहा है। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को शोकॉज का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि उनके खिलाफ एक्शन करीब करीब तय है। ये नेताओं को मिलने वाले शोकॉज की तरह नहीं होता। वैसे बिहार में विकास वैभव कोई पहले नहीं है, इस लिस्ट में पहले भी कई नाम जुड़ चुके हैं। शिवदीप लांडे के साथ क्या हुआ, किम शर्मा कहां साइड कर दी गई, किसी को खबर नहीं लगी, राकेश दुबे कहां चले गए। बिहार में ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाओगे और ज्यादा सुर्खियों में आओगे तो बच नहीं पाओगे, फिर चाहे वो शिवदीप लांडे हो या किम शर्मा। अगर विकास वैभव भी हो तब भी यही हाल होगा। विकास वैभव लेट्स इंस्पायर बिहार नाम का एक कैंपेन चला रहे थे जिसका टारगेट था शिक्षा, समता और उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए बिहार को जागरूक करना। करीब बिहार में 1 लाख से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ चुके थे। लगातार कॉलेज में पढ़ने वाले हो या कॉलेज पास आउट, यूथ के बीच विकास वैभव की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो क्या बढ़ती लोकप्रियता ने बंटाधार कर दिया? लगातार बिहार में बिहार के अधिकारियों को गाली दिया जाता है बाहर दूसरे राज्यों के अधिकारियों के द्वारा। अभी जैसा कि कल घटना हुई है, बिहार के वरिष्ठ IPS विकास वैभव सर को बाहर के शोभा उत्तर जो महाराष्ट्र की रहने वाली है गंदे गंदे गाली देकर संबोधित किया, बिहारियों का अपमान हुआ है। विकास वैभव इस वक्त बिहार के किस चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसे समझने के लिए बिहार में अधिकारियों की पूरी लॉबीबाजी समझनी पड़ेगी। यहाँ हर अधिकारी के ऊपर किसी न किसी का हाथ होता है और अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी बैठे होते हैं उनके ऊपर हाथ होता है नीतीश कुमार का। आगे बढ़ने से पहले एक दो एग्जाम्पल से समझा दे तो शायद आपको भी आसानी होगी। बात पिछले साल की है जब नीतीश कुमार BJP के साथ सरकार में थे। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी विधानसभा में ही तीखी बहस हुई थी। तब विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में तैनात एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें लगातार बचा रहे थे। यह अधिकारियों को बचाने का यह पहला उदाहरण है।
संजय सरावगी बीजेपी के विधायक है। करीब एक साल पहले विधानसभा के अंदर उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी का मामला उठाया था। जांच हुई, सारे आरोप सच साबित हुए। नियमतः उस भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अंतिम समय में एक सीनियर अधिकारी ने उसकी छुट्टी अप्रूव कर दी और वो भ्रष्ट अधिकारी कार्रवाई से बच गया। बिहार में सत्ता में बैठे किसी भी चेहरे के लिए हमेशा से तीन कुर्सियां सबसे अहम रही है। राज्य का चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, राज्य का होम सेक्रेटरी कौन होगा और राज्य का डीजीपी कौन होगा। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास बताता है कि इन तीनों अहम पदों पर कोई ना कोई एक पद पर मुस्लिम चेहरा बैठता है, दूसरे पद पर अपर कास्ट का कोई चेहरा बैठता है और तीसरे पद पर पिछड़ा चेहरा। जानकार कहते हैं कि ऑफिसर्स के बीच संतुलन बनाने का यह नायाब नुस्खा सिर्फ नीतीश कुमार के सीएम बनने के बाद से और परफेक्ट तरीके से अप्लाई किया गया। इसी तरह आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारियों की तैनाती में भी फॉर्मूले का विशेष ध्यान रखा गया। बिहार में कार्मिक और प्रशासनिक विभाग के आका है नीतीश कुमार, यानी उनकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी आईएएस और आईपीएस लॉबी में हिल नहीं सकता। विकास वैभव पटना के सिटी एसपी भी रह चुके हैं और एसएसपी भी रह चुके हैं। एक आम धारणा यह है कि अगर किसी अधिकारी को पटना में ये दोनों पद मिले तो इसका सीधा मतलब है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुड बुक में है। लेकिन अगर शिवदीप लांडे और किम शर्मा की बात करें तो उन्हें भी पटना में अच्छा प्रमोशन मिला है, लेकिन अचानक रातों रात उन्हें साइड भी कर दिया गया। विकास वैभव ने पटना में रहते हुए अनंत सिंह की गिरफ्तारी की। अनंत सिंह पर कोई हाथ तक नहीं डालता था। विकास वैभव की तरह चंदन कुशवाहा भी तेज तरार पुलिस अधिकारी हुए, उनको भी किनारे लगा दिया गया। अनंत सिंह के खिलाफ एक्शन में चंदन कुशवाहा का भी बड़ा रोल था। नीतीश कुमार जी ने जिन अधिकारियों को जिम्मेवारी दी विभाग चलाने की, विभाग संभालने की, मैं इसको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन ऐसा भी निरंकुश आप मत बना दीजिए कि उसका घाटा फिर होने लगे इस बिहार को और उनके मातहत अधिकारियों को। और के पाठक जी की घटना हो या जो अभी डीजी साहिबा की जो घटना हो जिनको लेकर के विकास वैभव ने सवाल किया, ये दोनों घटनाएं इस बात को तो बता ही रही है ना कि अधिकारी कहीं ना कहीं से निरंकुश हो गए हैं। नीतीश कुमार किसके साथ है इसका एक संकेत तो मिल चुका है, लेकिन विकास वैभव को लेकर पूरे दिन ट्विटर पर उनके समर्थन में इतने ट्वीट्स हुए कि ट्रेंडिंग में आ गया। जेडीयू के भीतर भी दो हिस्से हो गए, एक वो जो विकास वैभव के सपोर्ट में उतर आया और दूसरा वो जो उनकी नियत पर सवाल उठाने लगा। बड़ी दुखद बात है, विकास वैभव भी एक सक्षम ईमानदार बहुत मजबूत अफसर है, शोभा जी भी बहुत ही सक्षम ईमानदार मजबूत अफसर हैं, दोनों के अच्छे काम करते हैं। अब इन दोनों की क्या बात है कि जिसके कारण एक दूसरे को मन को दुख लगा है और इसके कारण उन्होंने छुट्टी पर भी चले गए हैं, दुखद बात है, ये नहीं होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि महानिदेशक महोदय और सरकार भी, गृह सचिव भी इन मामले को जल्द से जल्द निष्पादन करें। ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद भी है, शर्मनाक भी है कि ऐसे अधिकारियों से बिहार के मान सम्मान को हानि हो रही है, बिहार की छवि धूमिल हो रही है। ये अधिकारी, इनकी बिहार के प्रति निष्ठा नहीं प्रतीत होती है, बिहार के प्रति इनका कंसर्न और कमिटमेंट नहीं दिखता है। ईमानदारी का चोंगा पहनकर ये उसकी आड़ में ये माँ बहन की गाली मुफ्त नीतीश सरकार ने कर रखा है क्या? नीतीश कुमार जी से निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों का इलाज कराएं, अन्यथा उन्हें छुट्टी पर भेजें या फिर नहीं होता है तो बर्खास्त कर दें। अजय आलोक पहले जेडीयू के प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी जेडीयू में नहीं है लेकिन खुलकर विकास वैभव का सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के दौर में नौकरशाही को लेकर सवाल उठते रहे। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को सिर्फ अपने चंद अधिकारियों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा होता है। पहले ये संख्या 9 थी, आजकल 5 है। कहते हैं इन अधिकारियों के चाहे बगैर कोई अधिकारी हिल भी नहीं सकता। इनमें टॉप पर हैं आमिर सुबानी। आमिर सुबानी लंबे समय तक गृह सचिव रहे और आजकल मुख्य सचिव के पद पर हैं। दूसरा नाम है दीपक कुमार का। इन्हें मुख्यमंत्री का बेहद खास माना जाता है। मुख्य सचिव के पद पर रहते हुए उन्हें 2 बार सेवा विस्तार दिया गया और फिर अवकाश के बाद इन्हें मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना दिया गया। तीसरा नाम है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। ये बेहद खास और भरोसेमंद अधिकारी माने जाते हैं। ये मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव होने के साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी और अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग के पद पर तैनात है। चौथा नाम है मनीष वर्मा। ये भी काफी अहम भूमिका में रहे हैं।
आरसीपी सिंह के बगावत के बाद मनीष वर्मा ने अचानक नौकरी से वीआरएस ले लिया और फिलहाल मुख्यमंत्री के अतिरिक्त परामर्शी के पद पर तैनात है। और पांचवा नाम है प्रत्यय अमृत का, इन्हें भी मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र माना जाता है। इनके जिम्मे दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग और अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग। हम इन अधिकारियों की तारूफ आपसे क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि विकास वैभव ने इनमें से दो अधिकारियों को अपने साथ होने वाला वाकया बताया था, लेकिन ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। अब उल्टा सीएम ही विकास वैभव को अल्टीमेटम दे रहे हैं। बिहार में ऐसे कई आईपीएस अधिकारी हैं जिनका ग्राफ काफी तेजी से ऊपर चढ़ा तो उतने ही तेजी से नीचे भी गिरा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो कंट्रोल में रहें। ऐसे कई आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद उन्हें एक बार सरकार की नजरों में चढ़ जाने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बात चाहे किम शर्मा की हो या फिर दूसरे अधिकारियों की, कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्षों तक फील्ड पोस्टिंग के लिए बाढ़ जोहते रह गए, लेकिन उन्हें अलग अलग डिफरेंट मुख्यालय में ही पोस्टिंग दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो अधिकारी एक बार नीतीश कुमार के पंच ऋषियों के नजर पे चढ़ गया, उसके बाद तो खेला हो गया। सहयोगी सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज 24।